पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ और टैक्स कलेक्शन बड़ा चैलेंज बन गया। टैक्सों का हदफ करप्शन फ्रॉड की नजर हो रहा है। कर्जों की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR के काबिल और मेहनती अफसरान के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा कि सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। FBR में क्रेडिट और अनासर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को सराहा जाएगा। वज़ीर आज़म का गंदम की खरीदारी पर किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। कहा कि किसानों की मुआशी तहफ़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली तौर पर आगाह किया गया। गंदम के बहरान के हवाले से वज़ीर आज़म को मरासला अरसाल सेक्शन 3 के तहत जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मरासला लिखा गया। मरासले के मुताबिक मुल्क में गंदम वाफर थी, निगरान हुकूमत ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। सेक्टरी फूड सिक्योरिटी समेत दीगर गंदम स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए। मरासले में निगरान हुकूमत के फैसलों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के हकूमती मंसूबे में रुकावट। PTA के टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाले मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालफत। PTA ने FPR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने के लिए खत लिख दिया। PTA का कहना है कि पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि 2 लाख मरीजों को इनकी दहलीज पर दवाइयां डिलीवर की जाएंगी। बहुत जल्द 200 क्लिनिक इन व्हील प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ख्वाब है कि किसी मरीज को इलाज दवाई के लिए दर बदर ना भागना पड़े। तहरीक तहफ़ आइन और जमात इस्लामी में मिलकर जदोजहद करने पर इतफाक राय। महमूद खान अचकसई कहते हैं आइन की बालादस्ती के लिए इतिहाद कायम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं। जमात इस्लामी के अमीर ने अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में शिरकत को मजलिस शूरा की मंजूरी से मशरूत कर दिया। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा ग्रेट डायलॉग की बुनियाद 8 फरवरी के इंतखाबात की अदालती तहकीकात होनी चाहिए। फॉर्म 47 से आने वाली हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। मुल्क में मुआशी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हमारी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान सऊदी अरब की इमदाद से नहीं अब वहामी सरमायाकारी से आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101(1) के तहत दी। सरदार सलीम हैदर वजीर मुमलिकत बराए दफा और दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पर फिर से डेंगू की हुकूमत। बेमौसमी बारिशों और निकासी आप ना होने से लाहौर की अफजाइश में इजाफा। शहर में हजारों हॉटस्पॉट्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लार्वा के तल्फ करने के इकदाम ना होने के बराबर माहरीन के मुताबिक मई जून में लार्वा की अफजाइश ना रोकी तो केसेस बढ़ सकते हैं। वजीर सेहत इमरान नज़ीर कहते हैं CEOs हेल्थ को अलर्ट कर दिया। वार्निंग के बाद भी एहतियात ना बरतने पर मुकदमा दर्ज होगा। लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज़ की निशानदही होने लगी। वासा के 596 ट्यूबवेल्स डेंगू मच्छर की अफजाइश की आमाज का बनने का अंदेशा। हमले की गफलत की वजह से ट्यूबवेल्स से पानी की सफाई नहीं की जाती। ट्यूबवेल्स की मुसलसल लीकेज से ट्यूबवेल चैम्बर्स में पानी जमा रहने लगा। MD वासा का ट्यूबवेल्स की चेकिंग करने और लीकेज बंद करने का हुक्म। वासा के A&M डायरेक्टर्स को डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज़ ख़त्म करने की हदायत।